क्या हाल है, आप देख रहे हैं निगरा ब्लॉग। तो आज मैं कोई ब्लॉग नहीं लेके आया हूँ, बल्कि एक फुल रिव्यू लेके आया हूँ बाइक के ऊपर अपनी, जो मैंने NS125 ली है। तो इसके बारे में बताऊंगा कि क्या मेरे को अच्छा लगा और फुल रिव्यू होगा इसका। तो ये है NS125, आप देख पा रहे होंगे ये अभी कुछ दिन पुरानी है, करीबन 12 दिन पुरानी है। तो इसका मैं आपको बताऊंगा कि मेरे को कितने की पड़ी और क्या इसका बजट है और क्या इसकी स्पेसिफिकेशन है। तो भाई ये मेरे को पड़ चुकी है कोई 1,25,000 के करीब, जो कि ऑन रोड प्राइस है इसका जम्मू में। तो अगर आप डाउन पेमेंट वगैरह करते हो तो उसमें थोड़ी सी मतलब हाई कॉस्ट चली जाती है, तो जो कि होगी आपको 3% मतलब 30,000 रुपया थोड़ा एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा जिसके लिए आपको। तो आइए मैं इसका फुल रिव्यू कर दूँ। तो भाई ये NS125 BS6 मॉडल, जो कि अभी कुछ 10 दिन पुरानी, आप देख सकते हैं बाइक को पूरा, आपको दिखाते हैं बाइक को। तो देख पा रहे होंगे ये 125 NS। तो बाकी तो ये बिल्कुल 200 की तरह ही है, बट इसमें थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो मतलब 125 के हिसाब से बनाई गई हैं कंपनी वालों ने। तो देख सकते हैं आप इसका मीटर जो कि है पूरा सेम, तो एनालॉग के साथ आता है, बिल्कुल डिजिटल में आता है। तो देख सकते हैं ये, और गाइस जो है इसकी बाइक की लुक बहुत बिल्कुल सेम है जैसे NS200 की आती है, सेम बिल्कुल वैसी ही है, कोई बदलाव नहीं है बॉडी की लाइन में। बट ये जो है ऐसी कुछ चीज़ें जो कि मतलब थोड़ी मतलब NS से अलग नहीं है। तो पहली बात आती है इसके जो टायर हैं वो थोड़े पतले हैं, जो कि हैं ये मेरे ख्याल से 80 सेक्शन का टायर है बाइक से, हाँ 17 सेक्शन का टायर है ये। तो ये थोड़ा सा पतला है, बाकी मतलब इसकी ग्रिप वगैरह बिल्कुल अच्छी है। वो आगे मिल जाती है डिस्प्ले वगैरह, तो जिसमें गाइस इसमें वो सिस्टम नहीं आता है ड्यूल ABS जो वगैरह आता है, ABS इसमें कुछ नहीं है, वो ये सिंपल डिस्क आती है इसमें। और बाकी आपको बता देंगे कि इसमें काफ़ी है किक और सब दोनों का ऑप्शन दिया गया है इसमें। और बाकी जो पिछला टायर है वो है 100 सेक्शन का टायर है, 118-17 का और इसका जो NM टॉर्क है वो है 11 NM टॉर्क दे दिया है। और बाकी इसमें एयर कूल सिस्टम आता है जो कि 2 वॉल्व एयर कूल सिस्टम है BS6 का। बाकी आपको बाकी इसके जो शॉकर हैं वो थोड़े बहुत बदले हैं NS200 के साथ, NS की तरह सेम है बिल्कुल। बाकी बाइक में ओवरसीज में सिस्टम और बाकी वाले में फ्यूल पंप आता है, इसमें सुपर कार्बोरेटर वाली आती है ये। तो बाकी आपको बाकी तो ओवरऑल आप गाड़ी की देख ही सकते हो, बाकी और कोई गाड़ी में वो नहीं है, पिकअप भी अच्छा है बाकी गाड़ी का। यही था इसमें मैंने, बाकी आप देख पा रहे होंगे इसमें हुई वो नहीं है। और गाइस पीछे जो आपको वो ड्रम ब्रेक है ना, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ड्रम ब्रेक है, तो इसमें कोई भी डिस्क वाली चीज नहीं आती है इसमें। बाकी ओवरऑल स्टाइल है बस एक ही चीज है, इसमें नहीं आता और 200 में भी शायद से नहीं आता। तो बाकी इसकी जगह भी है बट इसमें दिया नहीं गया है Don't nervous, get up, pop out fast.
बाकी आपको पता, बाकी इसमें सिंपल ऑल ओवर वैसी ही है, सेम टू सेम। तो जिन लोगों का बजट थोड़ा कम है वो इसकी तरफ जा सकते हैं, बट ऐसे गाइस इसमें मतलब कोई एवरेज का मेरे को कोई भी वो नहीं मिला, कोई डिसएडवांटेज नहीं मिला मेरे को अभी। देखो अगर कोई मिलेगा तो वो भी मैं आपसे वीडियो लेऊंगा, डिसएडवांटेज इसके क्या और क्या एडवांटेजेस हैं। तो बाकी बाइक अच्छी है, 125 सीसी के हिसाब से बाइक काफ़ी अच्छी है, कोई इसमें मेरे को अभी तक वो नहीं आए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। बाकी आप देख ही पा रहे होंगे बाइक को, आपको अच्छा लगा होगा। तो ओके, गुड।